Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we are discussing Humayun and some other things like Mughals. क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? We are discussing Mughal Empire. Mughal Empire में हमने कई तरीके की बात की हमारे पिछले पार्ट में. हमने देखा बाबर के बारे में, हमने देखा हुमायूं के बारे में, और हमने देखा फिर कई तरीके के उन्होंने हुमायूं ने थ्रेट्स महसूस किए. तो मैंने आपको हमारे पिछले पार्ट में ये बताया था लास्ट में कि जो हुमायूं है वो शेरशाह सूरी से हार गया 1539 में. कहाँ पे आ रहा? चौसा. कहाँ पे? चौसा में वो हार गया. तो शेरशाह सूरी जो जीत गया भाई, और चौसा में वो हार गया, और कन्नौज में भी हारा 1540 में इस तरीके से. अब आफ्टर दीज डिफीट्स, ये जो डिफीट्स हुई कन्नौज में और ये चौसा में 1539-1540 में, हुमायूं वॉज फोर्स टू लीव इंडिया. हुमायूं को बोला गया कि चलिए इंडिया छोड़ दीजिए, आप वैसे भी यहाँ के थे नहीं, आपको निकलना होगा. And flee to Safaid court in Persia, modern day Iran जो है, वहाँ पे Safaid court में वो चला गया. अब here Shah Tahmasp, the Safaid ruler जो था, उसका क्या नाम था? Shah Tahmasp, इस Safaid ruler का नाम है. उसने offer किया उसको, he offered himself help and shelter कि चलिए आप आ जाइए हमारे पास, हम आपको help देंगे. Persia के ruler ने बोला उससे. अब आफ्टर एन एग्जाइल ऑफ 15 ईयर्स, तो वहां पे रहा वो कितने साल तक? 15 सालों तक वहां पे रहा. उसके बाद हुमायूं ने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा. तो हुमायूं रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ हिज इंडियन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ शाह. शाह कौन? शाह तहमास्प की वजह से उसने इंडियन एम्पायर को दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लिया. तो दोबारा से कंट्रोल आ गया भाई शाह तहमास्प जो रूलर है सफेद रूलर, इसकी वजह से. मगर However, he died soon, मगर जल्दी मर गया वो. After in 1556, when he fell down the stairs in his library in Sher Mandal, पुराना किला. तो जो शेर मंडल पुराना किला है वहां पे लाइब्रेरी थी, वहां पे हुमायूं सीढ़ियों से गिरा और मर गया. कब मरा? 1556 में डेथ हो गई उसकी. ठीक है, इस तरीके से ये हमने देखा. तो यहाँ पे क्या आया देखिए, हुमायूं 1530 से 1540 तक 39-40 में हार गया. फिर उसके बाद 1555-1556 तक वो थ्रोन में रहा, 56 को गिर गया सीढ़ियों से और हार गया. ठीक है, ये हमने देख लिया. तो इस तरीके से ही वो सक्सेडेड बाय हिज सन. अब जब हुमायूं की डेथ हुई तो अब फिर कौन आएगा? फिर आएगा अकबर कि चलो अकबर को बुलाते हैं. अकबर भी उसी का सन है, तो ही हैज द ब्लड ऑफ रूलर लाइक हुमायूं. तो हुमायूं नामा एक चीज है, एक बायोग्राफी है किसकी? हुमायूं की. बाबर नामा है ना, हुमायूं नामा है. रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम. हुमायूं की जो सिस्टर है, बहन है, कौन? गुलबदन बेगम. उसने हुमायूं नामा लिखा. गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट हुमायूं एंड हिज रीजन. हुमायूं और रीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है क्या? हुमायूं नामा. तो जितने भी रूलर्स हैं ना, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ लिखा के जाएंगे अपने बारे में, ताकि बाद में इतिहास में याद किया जा सके. आज भी याद कर रहे हैं हम. तो इन सब का कारण यही है कि हमें ये सारे के सारे मिले. अगर ये सब नहीं होते तो आज हम इन सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं. मगर ये सब है तो हमें हिस्ट्री पता लगी. तो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न हिस्ट्री. ठीक है, तो इस तरीके से गुलबदन बेगम ने बताया हुमायूं के बारे में, और हुमायूं के मरने के बारे में भी इसमें बताया गया होगा. सब कुछ बता दिया गया. हुमायूं मर गया और उसके पावर अब किसके पास आई? अकबर, जो किसका बेटा है? हुमायूं का. ही इज द सन ऑफ हुमायूं. अकबर द ग्रेट 1556 से 1605 तक अकबर का रूल होगा. अकबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस रूलर्स ऑफ मुगल डायनेस्टी. आप सब जानते हैं अकबर के बारे में, कौन नहीं जानता. ऑल्सो वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट रूलर्स, और इंडिया के जो बड़े बड़े रूलर्स थे उनके जैसा ही था. इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स में इसका नाम दिया जाता है. ही इज रेफर्ड टू एज अकबर द ग्रेट. अकबर तो है ही, उसके बाद ग्रेट भी लगा दिया, जैसे ग्रेट ब्रिटेन लगाते हैं ना, इसने भी अपने नाम के आगे ग्रेट लगाया. 1556 से 1605 तक का कार्यकाल था इसका. 1556 में मर गया हुमायूं, इसको थ्रोन मिल गई. तो ये बच्चा ही होगा.
तो अकबर वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब तो हमने देख लिया। जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमने और देखे हुमायूं का नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, बाबर का नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही, यहाँ पे ही आएगा, व्हेन ही बिकेम द एम्परर इन 1556। तो वो सिर्फ 13 वर्ष का था, कौन? अकबर, जब उसे थ्रोन मिल गई, एम्परर बन गया वो। हुमायूं की सडन डेथ हो गई थी, फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ, इस वजह से वो बन गया। अब बारियम खान, बैरम खान, इसे क्या कहते हैं? बैरम खान कहते हैं ना, बारियम बोला नहीं, इसे बोलेंगे बैरम खान। तो बैरम खान जो है वो अपॉइंटेड एज इज रेजेंट। रेजेंट एक पद होता है, ठीक है, जो दिया जाता है सेनापति के तौर पर। ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर इज सक्सेशन, सॉरी एक्सेशन, जब उसे मिल गई गद्दी, तब की जैसी एक्सेशन हुआ, बैरम खान को बोला कि चलो आप इसके रेजेंट हो, इसके गार्डियन वगैरह हो, सेनापति हो, इसी की रक्षा आपको करनी है। अकबर फेस्ड थ्रेट्स टू हिज किंगशिप, बहुत ज्यादा थ्रेट्स उसने फेस किए। वन सच थ्रेट कैम फ्रॉम हेमू, एक ऐसा ही थ्रेट आया कहाँ से? हेमू से। हेमू कौन है भाई? ये एक हिंदू मिलिट्री कमांडर है, मतलब चीफ मिनिस्टर है ऑफ आदिल शाह सूरी, शेर शाह सूरी का ही वंशज है आदिल शाह सूरी। तो हेमू जो है क्या है भाई? एक हिंदू मिलिट्री कमांडर है। क्या है? एक हिंदू मिलिट्री कमांडर है। देखिए क्या करेगा ये। तो इसने एक थ्रेट दिया अकबर को कि भाई आप अपनी किंगशिप हटा दो वरना हम आपको खत्म कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इन 1556 में हेमू ने क्या किया, अटैक किया दिल्ली पर, उसे ऑक्यूपाई कर लिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर टेकिंग द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो हेमू का टाइटल किसे मिला? विक्रमादित्य को मिल गया। तो मिल गया भाई विक्रमादित्य को, हेमू का टाइटल दे दिया गया कि चलिए आप ही है हमारे अन्नदाता, आप ही जो सब संभाल रहे। तो हेमू ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ टेकिंग द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, भाई मैं विक्रमादित्य हूँ, मैंने दिल्ली को ऑक्यूपाई करा है, मैं हेमू हूँ। 1556 में कर लिया, तभी डेथ हुई थी उसकी। तो द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड अकबर के बीच में हो गया, अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरम खान। बैरम खान ने करवाया, बैरम खान ही लड़ा था उसमें। तो बैरम खान ने ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ? 1556 में, ठीक है, किंग किंग के बीच, अकबर एंड हेमू। हेमू जिसे हम क्या बोल सकते हैं? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। हेमू और विक्रमादित्य के बीच में ये बैटल ऑफ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। फर्स्ट तो हो गया बाबर और विक्रम लोडी, सेकंड ही हो गया। अब हेमू वॉज डिफीटेड, ये जो हेमू था इसे क्या करा गया भाई? इसे डिफीट करा दिया गया, भाई आप हार चुके हो। हेमू वॉज डिफीटेड, हेमू को डिफीट कर दिया गया एंड मुगल रूलर वॉज री एस्टेब्लिश। तो दिल्ली पे ये आदिल शाह सूरी या हेमू जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, आदिल शाह सूरी भी कहते थे इसको, इसने बहुत ज़्यादा दिक्कत दी थी क्योंकि दिल्ली ऑक्यूपाई कर लिया, अकबर ने हमला किया और मुगल रूल वापस से दिल्ली में आ गया। अ फ्यू ईयर्स लेटर अकबर एंडेड बैरम खान रीजेंसी। भाई बैरम खान, आप ये सेनापति वगैरह, आप जो हमारे एजेंट बने हुए हो, सारे काम आप कर रहे हो हमारे नाम पे, आप हट जाइए, अब हम आए हैं थ्रोन पे, हम करेंगे जो निर्णय करना है, गार्डियन अब आप नहीं रहे। लेटर वॉज किल्ड ऑन द वे टू मक्का सून आफ्टर। और जब बैरम खान को बोला कि चलिए अब रीजेंसी हटा दिया गया, ये पद आप छोड़ दीजिए, तो फिर जब वो मक्का जा रहा था तब क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई। तब क्या होगा भाई? उसकी डेथ हो जाएगी। जब वो मक्का में जा रहा है उसकी डेथ हो गई, इसलिए बैरम खान खत्म होगा। इस वाले युद्ध में बैरम खान का बहुत बड़ा रोल है। इसका बैरम खान का रोल बहुत बड़ा है आदिल शाह सूरी को मारने का।
ये तो हमने देख लिया, अकबर ने इस तरीके से दिल्ली को बचा के रखा, आदिल शेर सूरी से बचा दिया। अब हम क्या देखेंगे, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर। अकबर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट की पॉलिसी अपनाएगा, ये बड़े बड़े राज्यों पे हमला करेगा, उन्हें अपना पार्ट बनाएगा, मगर उन्हें मारेगा वारेगा नहीं, उनसे बोलेगा बस आपका राज्य हमें चाहिए, हम आपको मारना नहीं चाहते, जैसा कि ब्रिटिश आए थे, हम आपको मारना नहीं चाहते, हमें आपका राज्य चाहिए, मगर उन्होंने आक्रमण किया, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति कर दी हमारी, दे डिस्ट्रॉयड अस। बट अकबर इज सिंपथाइजर ऑफ मेनी पॉइंट्स, दैट्स व्हाई ही इज लिटिल बिट ह्यूमैनिटी उसमें थी। तो अकबर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू कंक्वेस्ट एंड अलायंसेस, बहुत सारे कंक्वेस्ट जीते हैं उसने, अलायंसेस करी बहुत सारे राज्यों के साथ, ये सब कर करके अकबर जो है बड़ा बनता जा रहा था। अब देखते हैं किस तरीके से उसने एक्सपेंड किया, कहाँ कहाँ उसने अटैक किया, क्या क्या किया। तो ही एनेक्स, उसने क्या एनेक्स किया भाई, मालवा, मालवा को एनेक्स कर लिया गया, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा मालवा को एनेक्स किया गया, और गोंडवाना के द्वारा, देखिए गोंडवाना इसको भी एनेक्स कर लिया और मालवा को भी एनेक्स कर लिया, ठीक है। अब आ जाइए आगे, चित्तौड़ को भी एनेक्स कर लिया इसने, द कैपिटल ऑफ मेवाड़ एंड ऑफ द सिसोदिया राजपूत, इन सबको इसने एनेक्स कराया, फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द मुगल्स, मुगल्स के पास ये सारे के सारे चित्तौड़ मालवा गोंडवाना सबका सब चला गया। द रूलर्स ऑफ बीकानेर एंड जैसलमेर एक्सेप्टेड मुगल अथॉरिटी व्हेन चित्तौड़ फेल, चित्तौड़ जो है सिसोदिया राजपूत जो है वो खत्म हुए, मेवाड़ का कैपिटल जो है आ गया मुगल्स के हाथों में, तो जितने भी बीकानेर के रूलर्स हैं और जैसलमेर के रूलर्स, उन्होंने कहा चलिए ठीक है हम भी मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। रणथंभौर वॉज कैप्चर्ड सून आफ्टर, और जैसे ही ये हुआ रणथंभौर को भी कैप्चर कर लिया गया, तो आज के समय रणथंभौर आप जानते ही, उस पर भी इसने कैप्चर कर लिया था। अब चलिए ये तो पहले करा, फिर आगरा क्या किया, बिटवीन 1570 to 1575, ये जो 15 साल है, अकबर लेड अ नंबर ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात बिहार बंगाल एंड उड़ीसा, तो गुजरात में बिहार में बंगाल में उड़ीसा में इसने अकबर ने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़े मिलिट्री कैंपेन्स शुरू कर दी। अब फ्रॉम 1585 से टिल हिज डेथ इन 1605, जब उसकी डेथ हुई 1605 में, अकबर फर्दर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय कंकरिंग रीजन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द दक्कन, मतलब जो साउथर्न रीजन है दक्कन तक मैसूर तक वहां तक अकबर ने अपना राज्य एक्सपेंड कर लिया था अपनी डेथ से पहले, नॉर्थ वेस्ट भी ले लिया दक्कन वगैरह, ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा राज्य अकबर जो है हथिया चुका था 1585 तक से लेकर के उसकी डेथ तक जो 1605 में, ठीक है। अब इन द नॉर्थ वेस्ट कांधार वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम द सफाविद, तो देखिए ये वही सफाविद है जिसके रूलर ने बाबर को शरण दी, अब उसी का कांधार ये कैप्चर कर लेंगे। अब काबुल वॉज सीज आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम, काबुल को भी जो है क्या किया गया, सीज कर लिया गया, बाबर ने किया था ना, तो फिर हार गया तो दे दिया हुआ, तो वापस से सीज करना पड़ा किसको, अकबर को मिर्जा हाकिम से। और कश्मीर भी किया, कश्मीर को भी क्या किया, एनेक्स कर लिया किसने, अकबर ने, दक्कन में तो इसने बहुत कुछ किया हमने देख लिया। अब इन द डेक्कन में देखते हैं, डेक्कन में भी इसने किया ना, तो क्या किया डेक्कन में भी, बेरार डेक्कन खानदेश पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स, इन सबको भी क्या किया भाई, एनेक्स कर लिया गया, तो साउथ में भी उसने बहुत सी चीज़ें एनेक्स कर ली थी। अब टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रीजन, जब उसका एंड होने वाला था रीजन का, जब मरने वाला था अकबर, अकबर हैड टू फेस द रिवोल्ट ऑफ हिज सन, अकबर को क्या करना पड़ा भाई, उसका जो सन है उसका रिवोल्ट झेलना पड़ा, वो क्या है नाम उसका, प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर जो है उसने रिवोल्ट किया था अकबर के खिलाफ, तो उसे वो सहन करना पड़ा। तो आप सबने एक मूवी देखी होगी, कौन सी एक मूवी का नाम आप सब ध्यान रखिए, इसमें बहुत सारे दिलीप कुमार की मूवी है, वो
उसमें अकबर और सलीम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, मुगले आजम। तो मुगले आजम में ये सारी चीजें बताई गई, किस तरीके से जहांगीर ने, प्रिंस सलीम ने अकबर के खिलाफ रिवोल्ट किया। ये देखिए अकबर का एम्पायर, अंडर अकबर है सारा का सारा, सारा का सारा का है। ये देखिए दक्कन वाला इलाका अकबर के अंडर था, इस तरीके से अकबर ने ये फैला दिया। अब आ जाइए अकबर का राज्य, तो हमने देख लिया, अब देखेंगे अकबर राजपूत पॉलिसी। अब क्या देखेंगे, अकबर की राजपूत पॉलिसी। क्योंकि अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी भाई, वो भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। चलिए देखते हैं अकबर की राजपूत पॉलिसी क्या थी, किस तरीके से अकबर जो है राजपूतों पे अपना एकाधिकार कायम करने में कामयाब हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद मेनी राजपूत क्वींस। अकबर ने कई तरीके के राजपूतों से मैरिज अलायंसेस कर लिए। ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ आमेर, मॉडर्न डे जयपुर जो है आमेर है, हु वॉज जहांगीर्स मदर। जहांगीर की मदर कौन है भाई, या आमेर की राजकुमारी जोधा। ही गेव द राजपूत हाई पोस्ट इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकबर ने राजपूतों को हाई पोस्ट दी थी, ज्यादातर आमेर से थे, जयपुर से, ठीक है, मॉडर्न डे जयपुर से बहुत सारे पोस्ट दी गई थी, क्योंकि जहांगीर की मदर भी हुई जोधा भाई। तो अकबर अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग मेनी फ्रेंडली रिलेशन और फ्रेंडली रिलेशन विद अ लार्ज हिंदू पॉपुलेशन। अकबर ने समझ लिया था कि भाई अगर मुझे पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है तो मुझे सारे के सारे हिंदुओं से फ्रेंडली रिलेशन रखने ही पड़ेंगे। हैविंग राजपूत एलाइज मींट गेटिंग हाई क्वालिटी मिलिट्री सपोर्ट, तो ये सारी चीजें करनी ही पड़ेगी। तो अकबर को समझने में आ चुका था कि जो ये सपोर्ट है ना मिलिट्री का, ही कैन गेट द सपोर्ट ओनली इफ ही इज एबल टू गेट फ्रेंडली रिलेशंस फ्रॉम द हिंदू डायनेस्टी। क्योंकि जो जितने भी लार्ज हिंदू डायनेस्टीज थे उन सबसे अगर फ्रेंडली रिलेशंस होंगे, इफ देर आर फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, देन ऑल्सो देन ओनली ही कैन एबल टू डू द रूलिंग पावर इन हिंदुस्तान। क्योंकि अगर रूलिंग करनी है हिंदुस्तान में तो ही हैज टू बी अ पर्सन हु हैज द सपोर्ट ऑफ हिंदू, अदरवाइज ही कैनॉट रूल। तो इस वजह से उसे चाहिए था सपोर्ट। अब राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह वर सम ऑफ हिज इंपॉर्टेंट राजपूत ऑफिशियल्स। तो राजा मान सिंह जोधा अकबर का, जो अकबर थी सॉरी जोधा थी उसका भाई था। तो भगवान दास हो गया, टोडरमल हो गया, इन सब, ये सब हिंदू थे जिन्हें उसने बड़ी बड़ी पोस्ट दी थी। टोडरमल को तो फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया था, इस तरीके की चीजें उसने करी गई थी वहां। अब आगे देखते हैं हम, ये तो हमने देख लिया, इंपॉर्टेंस के बारे में समझ लिया, ठीक है, और इस तरीके से सारी सारी चीजें हमने देख ली, बड़ी बड़ी पोस्ट दी। ये राजपूत पॉलिसी थी किसकी, अकबर की। तो जो अकबर था उसकी राजपूत पॉलिसी इसी तरीके की, मेनी राजपूत स्टेट्स रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर। अब राजपूत से पॉलिसी तो अच्छी निकाली, बड़ी बड़ी पोस्ट देंगे, वो देंगे, ताकि राजपूतों में ज्यादा से ज्यादा आने की जिज्ञासा बढ़े। मगर बहुत से राजपूत किंगडम्स ने बोल दिया कि हम आपको सबमिट नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमें कितनी पोस्ट दीजिए, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल एट एनी कॉस्ट। तो द राजपूत ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़ कंडक्टेड गुरिला वॉरफेयर। उन्होंने क्या किया, मेवाड़ वो महाराणा प्रताप आप सब जानते हैं, तो उन सब ने क्या गुरिला वॉरफेयर किया, इन ऑर्डर टू रिकवर देयर किंगडम। भाई हमारे किंगडम ले लिए, चलिए गुरिला वॉरफेयर करते हैं। तो महाराणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अकबर्स अथॉरिटी इवन दो द फॉर्मर वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की हार हो गई 1576 में, ये ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी 1576 भाई हार हो गई किसकी, महाराणा प्रताप की। बट ही डिड नॉट सरेंडर टू अकबर एंड कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द मुगल टिल ही रिकैप्चर्ड
मेजर पोर्शन ऑफ हिज किंगडम। तो जब तक उसने अपना मेजर पोर्शन हथिया नहीं लिया, तब तक जो महाराणा प्रताप था वो चैन से नहीं बैठा। उसने फाइट कर जारी रखी अगेंस्ट मुगल्स, चाहल दी गड्डी में हारा हो फिर भी फाइट करता रहा। तो मोस्ट ऑफ द होस्टाइल राजपूत फैमिली एक्सेप्टेड अकबर अथॉरिटी इन द एंड। मगर कितनी भी लड़ाई कर ली महाराणा प्रताप भी बाद में डेथ हो जाएगी उसकी भी। और फिर अकबर की अथॉरिटी को जितनी भी राजपूत फैमिलीज थी जो पहले होस्टाइल थी टूवर्ड्स अकबर, वो बाद में अकबर की अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगी। तो दे आर यूजली अलाउड टू रिटेन देयर इनहेरिटेड लैंड्स, जिन्हें वतन कहते हैं इनहेरिटेड लैंड, एज देयर असाइनमेंट और वतन जंगी। तो भाई आप अपने लैंड वगैरह ले लीजिए, हमें सिर्फ टैक्स देते रहिएगा और कुछ नहीं चाहिए। द जनरस ट्रीटमेंट ऑफ देयर फ्रेंड्स एज वेल एज देयर अपोनेंट्स गेन्ड द मुगल्स सम वैल्यूएबल एलाइज। क्या है कि ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा जनरस था, बहुत ज़्यादा सही ट्रीटमेंट किया जाता था लोगों पे, तो इस वजह से मुगल्स को जो है वैल्यूएबल एलाइज मिल गए थे ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी पढ़ेंगे अब हम, क्या पढ़ेंगे अकबर की रिलीजियस पॉलिसी। ये तो देख ली राजपूतों के साथ पॉलिसी, राजपूतों को बड़ी बड़ी पोस्ट दी सब दी और मैरिजन अलायंसेस किए। तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी भी हम देख लेते कि भाई रिलीजियस पॉलिसी क्या थी अकबर की, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अकबर हैड अ लिबरल आउटलुक। अकबर क्या था, लिबरल था कि भाई सारे रिलीजन होने चाहिए, हमारे रिलीजन का ही महत्व नहीं है। तो वाइल ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हु रेगुलरली ऑब्जर्व्ड हिज प्रेयर्स, ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। तो मुगल में जो अकबर था वो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, बहुत ही ज्यादा प्रेयर्स किया करता था, बट स्टिल ही वॉज एबल टू रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, सारे के सारे रिलीजन्स को महत्व देता था, इवन इफ ही इज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। यही उसकी रिलीजियस पॉलिसी का सबसे बड़ा हिस्सा था। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें इस रिलीजियस पॉलिसी में आती है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए डिस्कस करते हैं। तो हिज हिंदू वाइफ्स एंड मेंबर्स ऑफ हिज कोर्ट, उसकी हिंदू वाइफ्स थी और जितने भी मेंबर्स थे कोर्ट में उनकी बात कर लेते हैं। लाइक बीरबल, तो हिज हिंदू वाइफ्स एंड मेंबर ऑफ हिज कोर्ट लाइक बीरबल वर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। तो बीरबल हो गया या फिर उसकी जितनी भी हिंदू वाइफ्स हो गई, उन सबको बोला गया कि आपका रिलीजन आप संभाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको कन्वर्ट करने को नहीं बोलेगा। ही अबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स, तीर्था तीर्था नाम का टैक्स लगाया जाता था औरों पे, उसे उसने क्या करा अबॉलिश कर दिया कि भाई तीर्था नहीं लगेगा, आपसे परेशान ना होइए, जो ये तीर्था टैक्स है जो तीर्थ पे लगता था तीर्था वो हटा देंगे। एंड देन द जिजिया टैक्स पेड बाय ऑल नॉन मुस्लिम, और उसके बाद उसने क्या किया जिजिया भी हटा दिया कि भाई जितने भी नॉन मुस्लिम ये टैक्स दे रहे हैं ये सही नहीं है, इस टैक्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो सारे के सारे जितने भी हिंदू थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था अकबर के रीजन को के उधर। अब दिस इंश्योर्ड गुड रिलेशनशिप विद द हिंदू। जब तीर्था हटा जजिया हटा तो हिंदू से गुड रिलेशन उसने बना लिए। He abolished the practice of forcibly converting the prisoners of war to Islam. उसने क्या किया, उसने abolish कर दिया क्या जितनी भी practice जो चल रही थी जो forcibly उसे क्या कर रही थी convert करवा रही थी the prisoners of war to Islam. तो जितने भी prisoners of war थे उन्हें Islam में convert किया जा रहा था कि भाई आप सबने हमसे लड़ाई करी है, आप सबका धर्म सही नहीं है, आप सब धर्म परिवर्तन करिए और Islam में convert हो जाइए। And is said to have participated in certain Hindu festivals such as Holi, Deepavali, Raksha Bandhan. तो क्योंकि हिंदू वाइज में ये सारे त्यौहार चलते थे तो इस वजह से जो अकबर था वो दीपावली होली रक्षाबंधन सारे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी करता था और साथ ही साथ जो इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता फोर्सफुली उन सबको उसने अबोलिश कर दिया। तो उससे हिंदू के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बन गए, रिलीजियस पॉलिसी उसकी बहुत ज़्यादा सेक्युलर मानी जाती। अब अकबर बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी टू होल्ड डिस्कशंस ऑन फेथ साइंस एंड नेचर एंड हिस्ट्री। इबादत खाने के बारे में हम बाकी चीजें देखेंगे।
हमारे नेक्स्ट पार्ट में, और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट। अभी तक के लिए यहाँ तक ठीक है, रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बाकी बातें नेक्स्ट पार्ट में करी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।